यूपी के फतेहपुर जिले में आज कोविड-19 वैक्सीनेशन सेंटर का डीएम के निर्देशों में तैयारी पूर्ण हुई, जहां डीएम अपूर्वा दुबे ने फीता काटकर पहले चरण में लगने वाली वैक्सीनेशन टीकाकरण का शुभारंभ किया। जिले में डीएम के निर्देश पर बनाए गए 4 सेंटरों में वैक्सीनेशन का कार्य किया जाएगा। जिला अस्पताल के पुरुष वार्ड में एक सेंटर बनाया गया व जिला महिला अस्पताल के वार्ड में दूसरा सेंटर बनाया गया है। गाजीपुर सीएससी में तीसरा और हदगाम सीएससी में चौथा सेंटर बनाया गया है, जहां प्रत्येक सेंटर में 100-100 टीके लगने हैं। वहीं डीएम के निर्देश पर 400 स्वास्थ्य कर्मियों को टीके लगेंगे। वहीं डीएम के प्रत्येक वैक्सीनेशन सेंटर का औचक निरीक्षण किया है, जहां डीएम ने सख्त निर्देश दिए हैं कि कोविड-19 नियमों का पालन करते हुए सेंटर में बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित किया गया है। प्रत्येक सेंटरों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच टीकाकरण कराया जा रहा है। वैक्सीनेशन का किया है हम जैसे स्वास्थ्य कर्मी लोगों का, तो इसके लिए हम लोग ज़्यादा उनके आभारी हैं कि उन्होंने हमारे लिए सोचा और हम लोगों के लिए वैक्सीन के लिए ये किया है, इतने बड़े पैमाने में काम किया। अच्छा, जिस तरह से वैक्सीन को लेकर के लगातार लोगों में चर्चा थी और डर एक बना हुआ था, उसको आप किस तरह देख रहे हैं, क्योंकि आपने भी वैक्सीन लगवाया है? नहीं, यहाँ पे कोई डर नहीं है, सभी लोग बहुत उत्साहित हैं और अपने कुछ स्वेच्छा से फोन करने पे आ रहे हैं और लगवा रहे हैं। अच्छा, वैक्सीन लगवाई कैसा लगा आपको? वैक्सीन लगवाने के बाद सब लोग अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, किसी तरीके कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग अच्छे से। प्रधानमंत्री जी के लिए आप कुछ कहेंगी? उन्होंने सबके लिए सोचा है तो अच्छा ही सोचा होगा। आज आपने भी लगवाया है वैक्सीन और आपको आधे घंटे एग्जर्वेशन में रखा गया है नागपुर के, तो क्या किसी तरह की प्रॉब्लम या किसी तरह की दिक्कतें आपको? नहीं, कोई दिक्कत, सबको लगवाना चाहिए। जी, सबको लगवाना चाहिए। क्या नाम है आपका? रोशन जी। कहाँ पर आप तैनात हैं? जी, हमारे पीएनपुर में। जी सर, अभी वैक्सीनेशन हुआ है, वैक्सीन लगवा के आप लोग आए हैं। सर, कैसा महसूस हो रहा है आप लोगों को और इसमें क्या किसी तरह की कोई तकलीफ होती है? नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, कोई साइड इफेक्ट किसी तरह की कोई नहीं है। सर, कितने लोगों को यहाँ पर वैक्सीन लगी? कुछ जब तक हमारा टीकाकरण हुआ था करीब 12-13 लोग लग चुकी है और अब तक करीब 20-25 लोग लग चुकी होगी। लक्ष्य करीब 100 का है आज का। आज का 100 का लक्ष्य? 4 जगह यहाँ पे टीकाकरण हो रहा है और संख्या है ये वेरी करती है अलग अलग टीकाकरण में। कैसा लग रहा है वैक्सीन लगवा के? डॉक्टर साहब, बिल्कुल ठीक लग रहा है, किसी तरह के हेडेक तक भी नहीं है। लोगों के अंदर भ्रम था जैसा? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं है, ना सर्दी जुकाम, कुछ खांसी, कुछ नहीं, किसी तरह की कोई एकदम से हो जाएगा या कोई साइड इफेक्ट एकदम से आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वैक्सीन के टीके लगने के बाद कितनी देर तक आप लोगों को रेस्ट करना पड़ा? हमने करीब आधा घंटे करीब रेस्ट करना रहता है, आधे घंटे तक आराम से बैठ के, इसलिए कि कोई अगर दिक्कत होती है तो तुरंत आप सूचित कर सके। वैसे भी कार्ड का नंबर दिया, अगर कोई तकलीफ होती है तो हमें सूचित करना होता है। जी डॉक्टर साहब, क्या नाम है आपका? डॉक्टर जीपी शर्मा। कोविड-19 का जो टीकाकरण हुआ ये बहुत ही सराहनीय है, जो प्रधानमंत्री जी ने किया ये बहुत ही अच्छा है और हम लोगों से शुरुआत हुई और भी अच्छी बात है, ताकि लोगों की गलत फहमियाँ आटे और कोई ऐसी परेशानी नहीं होती जैसा कि लोग सोच रहे हैं, रिएक्शन ये वो और कमियां, ऐसा इसमें कुछ नहीं है। हमने तो बहुत गर्व के साथ लगवाया है और लोगों को लगवाना चाहिए, लोगों को भी आगे आना चाहिए, बिल्कुल लगवाना चाहिए। जैसे ही बात की जा रही थी किसी तरह की दिक्कत और परेशानियों की, तो आप लोगों को क्या लगा? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। नॉर्मल इंजेक्शन से थोड़ा सा दर्द होता है, इसमें कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। क्या नाम मैडम आपका? मेरा चंद्रमा सिंह। किस पोस्ट पर है मैडम आप? मैं यही मैट्रन हूँ। ठीक।